अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, वेलकम करते हैं आपको अरब 5 न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैरियत और आफ़ियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की सऊदी अरेबिया की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानिब, लेकिन इससे पहले सऊदी अरेबिया की तमाम वीज़ा बीट्स और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। आज 4 मई 2021 है और सऊदी अरब में कोरोना के नए मरीज़ों की तादाद 953 है। सहजाब होने वाले 1038 और अमवात 13 हैं। मंतका रियाज में 386, मंतका मक्का में 224, मंतका शर्किया में 117, असीर में 45, मदीना मुनवरा में 40, कसीम में 30, जजान में 28, हायल में 23, तबूक में 18, हदूदुशुमालिया में 7, अलबाया में 7, अलमंतका जौफ में 5, जबकि निजरान में 3। टोटल मरीज़ अब तक 4,20,301 हो चुके हैं और 4,03,702 से जबकि 6,992 की अमवात हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं आज की पहली खबर की जानिब। सऊदी अरब का 17 मई से बर्री, बहरी और फिजाई सरहदें खोलने का ऐलान। सऊदी अरब की वजारत दाखला ने 17 मई से अपनी बर्री, बहरी और फिजाई सरहदें खोलने का ऐलान किया है। इसी तारीख से सऊदी शहरियों के बैरून मुल्क जाने पर आयद पाबंदी भी ख़त्म कर दी जाएगी। वजारत दाखला ने इतवार को एक बयान में बताया है कि कोविड-19 की वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले अफराद या सफ़र से 2 हफ्ते कबल एक इंजेक्शन लगवाने वाले, गुज़िश्ता 6 माह के दौरान में कोरोना वायरस का शिकार होकर सहजाब होने वाले और 18 साल से कम उम्र अफराद को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त होगी। फरवरी में सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 20 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी और सिर्फ सफारतकारों और तिब्बी अमले के अरकान को इस फैसले से मुस्तस्ना करार दिया था। सऊदी वजारत सेहत ने आने वाले दिन वबा के हवाले से सख्त करार दिए। कोरोना की रोकथाम के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने कोरोना वबा के हवाले से आने वाले ज़्यादा दिन अहम और ख़तरनाक करार देते हुए शहरियों को हिदायत की है कि वो वबा की रोकथाम के लिए हकूमत के वाज़े करदा ज़ाब्ता अखलाक की सख्ती से पाबंदी करें। वजारत सेहत ने शहरियों को खबरदार किया है कि ईद उल फितर के आयाम अफसोस के दिनों में नहीं बदलने चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि शहरी कोरोना SOPs पर सख्ती के साथ अमल करें। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए खसूसी तोहफा। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद जैसी एक और आलीशान मस्जिद तामीर होगी। मस्जिद में 12,000 नमाजियों की गुंजाइश होगी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी सफीर की जानिब से पाकिस्तान के लिए खसूसी तोहफे का ऐलान किया गया है। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की जानिब से बताया गया है कि इस्लामाबाद में जदीद तर्ज तामीर की शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद मस्जिद इस्लामाबाद और मुसलमानों की खिदमत के लिए खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद की हकूमत की तरफ से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। जबकि इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल व नुमाइंदा खसूसी वजीर आजम पाकिस्तान बराए बैनुल मज़ाहिब हम आगे और मशरकी वस्ता हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने बताया है कि सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद में 80 कनाल पर मुश्तमिल जामे मस्जिद मलक सलमान बिन अब्दुल अजीज को इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कायम करने का फैसला किया गया है, जो पाकिस्तान सऊदी अरब दोस्ती और ईमान अकीदा के ताल्लुकात की अजीम मिसाल होगी।